नमस्कार, आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज। सिक्कर राव राजा कल्याण सिंह की 136वीं जयंती मनाई गई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि कल्याण सिंह आधुनिक सिक्कर के निर्माता थे। उन्होंने सिक्कर में शिक्षा का बीजारोपण किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री शेखावत सोमवार को जैन स्कूल में राव राजा कल्याण सिंह की 136वीं जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री शेखावत ने इस अवसर पर कहा कि वर्तमान सिक्कर की जिन्होंने आधारशिला रखी थी वे राव राजा कल्याण सिंह ही थे। उन्होंने बताया कि अक्षर ज्ञान मात्र होने के बावजूद भी उन्होंने वट वृक्ष की तरह विशाल जीवन जिया। उन्होंने कहा कि राव राजा कल्याण सिंह ने अपने जीवन में सिक्कर की जनता के लिए स्कूल, अस्पताल और कुएं, बावड़ी, धर्मशालाओं का निर्माण करवाया। सिक्कर सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने कार्यक्रम में कहा कि आज सिक्कर में जो आधुनिकता दिखाई दे रही है वह सिक्कर के राव राजा कल्याण सिंह की ही देन है। सिक्कर विधायक राजेंद्र पारिक ने कहा कि राव राजा कल्याण सिंह की शिक्षा, स्वास्थ्य के प्रति अच्छी सोच थी। उनके जीवन में किए गए कार्यों को आम जनता को लाभ मिल रहा है। इस अवसर पर विधायक राजेंद्र पारिक, सांसद सुमेधानंद सरस्वती, पूर्व विधायक सिक्कर रतनलाल जलदारी, धोद गोवर्धन वर्मा, महेश शर्मा, काफ़ी संख्या में गणमान्य शक्ति मौजूद रहे। राव राजा स्वर्गीय कल्याण सिंह जी, जो सीकर के निर्माता, आधुनिक सीकर के निर्माता, सीकर में शिक्षा का बीजारोपण करने वाले, उनकी 136वीं जयंती के कार्यक्रम के निमित्त मुझे आज सीकर आने का सौभाग्य मिला। वर्तमान का जो सीकर हमें दिखाई देता है, अगर उसका आधारशिला किसी ने रखी थी तो केवल अक्षर ज्ञान का मात्र होने के बावजूद भी जिस व्यक्ति के ने एक वटवृक्ष के समान विशाल जीवन जिया और का जिनका जीवन जीवन की आयु से भी लंबा होकर अमरत्व को प्राप्त किया, ऐसे स्वर्गीय कल्याण सिंह जी थे। हम सब लोगों ने श्रद्धा वनत होकर के आज अपनी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। सारे समाज ने एक साथ जाति व्यवस्था सब के भेद से उपट उठ करके उन्होंने जो है वो जो आज श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए हैं, ये इस बात का परिचायक हैं, द्योतक हैं कि उन्होंने एक प्रजावत्सल शासक के रूप में काम किया, जीवन जिया और अपने जीवन में उन्होंने अपने सभी जाति समाज के लोगों को आया जो है वो जीवन सुधारने संवारने के लिए उन्होंने एक पिता तुल्य जो है आचरण और व्यवहार किया था। हम सब उन्हें आज इस अवसर पर श्रद्धा सुमन अपने अंतर मन से अर्पित करें।